गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट उदनूर विलेज में मौजूद गार्बेज डंपिंग यार्ड का शेड और सीमेंट कॉलम हवा के झोंके से गिर जाने के बाद दलित सेना और दीगर संगठन के लोग एहतजाज कर इन्वेस्टिगेशन की मांग किए थे। तमाम संगठनों के जरिए की गई शिकायत पर आज लोकायुक्त SP जॉन एंथोनी ने अपने टीम के साथ इस डंपिंग यार्ड का बारीकी से जायजा लिया और इस यार्ड के पीछे हुए घोटाले की जांच शुरू की है। दरअसल ये गार्बेज डंपिंग यार्ड 16 करोड़ की लागत से बनाया गया है, पर हवा के झोंके से गिर जाने के बाद कॉरपोरेशन ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्टर पर पैसा हजम कर खराब क्वालिटी काम करने का इल्जाम लगाया गया है। गुलबर्गा से निकलने वाला गार्बेज डंप करने के लिए ये यार्ड बनाया गया था, पर बनने के कुछ ही महीनों बाद गिर जाने पर कॉरपोरेशन ऑफिसर्स पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्तलिफ संगठनों से मिली शिकायत पर लोकायुक्त SP जॉन एंथोनी ने अपनी जांच शुरू की है और इस मौके पर कॉरपोरेशन असिस्टेंट कमिश्नर यादव भी यहां मौजूद थे और लोकायुक्त को डिटेल बताते देखे गए हैं। लोकायुक्त SP जांच शुरू कर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अगर कोई इस घोटाले में इन्वॉल्व रहा तो सख्त एक्शन लेने का भरोसा दिलाया है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबाह नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2024 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।